नमस्कार दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं कि पिकशार्ट ऐप से हम एक यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाएं। अगर आप यूट्यूबर हैं तो ये यूट्यूब थंबनेल की बहुत ज़रूरत होती है। तो आइए हम बात करते हैं, शुरू करते हैं कि यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाएं। तो ज़्यादातर लोग पिक्सल ऐप को यूज करते हैं, तो आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि पिकशार्ट ऐप से यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाएं, यानी यूट्यूब बैनर कैसे बनाएं। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमें क्या करना होगा, पिकशार्ट ऐप को ओपन करना होगा। पिकशार्ट ऐप को ओपन करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एक बैकग्राउंड चूज कर लेंगे। जैसा कि देख रहे हैं आप, हमने ये बैकग्राउंड चूज कर लिया है। यहाँ से टूल्स के सहायता से हम इसको क्रॉप कर लेंगे, यानी यूट्यूब थंबनेल के साइज़ बना लेंगे। तो यूट्यूब थंबनेल को साइज़ बनाने के लिए हमें यहाँ पे 16:9 साइज़ ले लेना होगा और यहाँ से डन कर देंगे। डन करने के बाद हमें इस पे वीडियो से रिलेटेड एक फ़ोटो ऐड करना होगा। जैसा कि देख रहे हैं आप, यहाँ से हम ऐड फ़ोटो पर क्लिक करेंगे। ऐड फ़ोटो पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम वो फ़ोटो को सेलेक्ट करेंगे जिसको हम इस पे लगाना चाहते हैं। तो आइए हम वो फ़ोटो को सेलेक्ट करते हैं। तो इसको हम सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद इसको हम अच्छा तरह से क्रॉप कर लेंगे। क्रॉप करने के बाद इसको हम बैकग्राउंड पर एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ से हम डन करेंगे। डन करके इसको बैकग्राउंड पर एडजस्ट कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने इसको बैकग्राउंड पर एडजस्ट कर दिया है। तो मान लीजिए हमें जिस एप्लीकेशन का हम यूज में ले रहे हैं, वो एप्लीकेशन का अगर हम आइकन इस बैनर पर दिखाना चाहते हैं, तो उसको हम यहाँ से फिर से ऐड फोटो पर जाएंगे और वो आइकन को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से डन करेंगे। डन करने के बाद ऐड फोटो पर जाएंगे और वो आइकन को सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ से हम अपने गैलरी को ओपन करेंगे। गैलरी को ओपन करने के बाद वो आइकन हमें जहाँ कहीं भी हम अपने फ़ोन में रखे हैं उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमारा ये रहा, इसको हम इस पर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसको अच्छा तरह से यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद हम इस पर टेक्स्ट लगाना चाहते हैं, तो यहाँ से हम फिर से टेक्स्ट पर जाएंगे। टेक्स्ट पर जाने के बाद हमें लिखना होगा कि मोबाइल से यूट्यूब, इसको हम अंग्रेजी में कर लेंगे। यूट्यूब लिख के यहाँ पे इंटर करेंगे। यूट्यूब थंबनेल फिर से यहाँ पे इंटर करेंगे। अब इसको हम हिंदी में कर लेंगे, यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाए। अब यहाँ से हम इसको डन करेंगे। डन करने के बाद इसका हम कलर चूज करेंगे। बहुत सारा कलर है, यहाँ पे हम रेड कलर को चूज कर ले रहे हैं। यहाँ पे इसका फीचर बहुत सारा दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो भी रखना चाहते हैं उसको आप रख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे इसी को ले रहे हैं। यहाँ से इसको लेने के बाद इसको हम अच्छा से एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद यहाँ से बहुत सारा फीचर दिया हुआ है, जैसे कि हम यहाँ से शेडो को ले रहे हैं। शेडो लेने के बाद हम ब्लर को लगभग 40 रख लेते हैं और यहाँ से कैपेसिटी को लगभग 80 रख लेते हैं। और यहाँ से हम इसको डन करेंगे। डन करने के बाद ये हमारा यूट्यूब थंबनेल बनकर तैयार हो गया। अब इसको हम चाहते हैं कि HD में करने के लिए, तो यहाँ से हम टूल्स पे क्लिक करेंगे। टूल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से रिसाइज पे जाएंगे। रिसाइज पे देखेंगे कि ये हमारा कितना ले रहा है। तो मान लीजिए हम 4000 कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा दिखा दे रहा है कि 2598 तक ये हमारा हो सकता है। तो हम यहाँ से 2598 क्लिक करेंगे और यहाँ से रिसाइज को सेव कर देंगे। ये हमारा HD में हो गया। अब इसको हम अपने गैलरी में सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम ड्रॉ पर क्लिक करेंगे। ड्रॉ पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद
इसको हम सेव इमेज पर क्लिक करके सेव कर देंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप के मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं।